सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोमित्रम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। अघन पूर्णिमा की रात करे ये उपाय, माता महालक्ष्मी आपके ऊपर कृपा की बरसात कर देगी, आपके घर में धन की कभी भी नहीं रहेगी कमी। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोमित्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों अघन मास की पूर्णिमा है 3 दिसंबर 2017 रविवार के दिन, और इस दिन विशेष संयोग ये बन रहा है कि चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में स्थिर रहेंगे, साथ ही साथ वृषभ राशि के 16 अंश पर चंद्रमा स्थित रहेंगे, अर्थात अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। क्योंकि खगोल शास्त्र के हिसाब से ऐसे चंद्रमा को सुपर मून कहा जाता है, पृथ्वी के सबसे निकट चंद्रमा रहेंगे, इसलिए इसको साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा कहा जा रहा है। क्योंकि इस दिन यदि हम कोई भी उपाय करते हैं तो वह कारगर सिद्ध होते हैं। जितनी भी पूर्णिमाएं हैं उसमें सबसे बड़ी पूर्णिमा रहेगी 3 दिसंबर 2017 की। इस दिन चंद्रमा की पूजन करने से माता महालक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान नारायण विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। सनातन धर्म में सभी 16 कलाओं का काफी महत्व है। प्रत्येक कला एक विशिष्ट मानव गुणवत्ता को दर्शाती है। पृथ्वी पर केवल भगवान श्री कृष्ण ही इन 16 कलाओं से उत्पन्न हुए थे, तो इसलिए इस रात्रि में यदि चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण रहेंगे तो हमारे लिए विशेष पौष्टिक किरणें वो जो है प्रदान करेंगे। इस पूर्णिमा की रात्रि को यदि चांद की चांदनी में कोई शाम के समय यदि घुमा जाता है या चंद्रमा की रोशनी प्राप्त की जाती है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे बढ़ती है। चंद्रमा की किरणों को हम यदि ग्रहण करते हैं इस रात्रि में तो हमारे शरीर में जो है एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यदि इस दिन दूध से बनी खीर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाए, उसका प्रतिबिंब यदि खीर के ऊपर आ जाए तो समझ लीजिए कि वह खीर अमृत का रूप प्राप्त कर लेगी। धन प्राप्ति के लिए इस पूर्णिमा को जो भी हम उपाय करते हैं वह बहुत फायदेमंद होता है। किसी व्यक्ति के जीवन में धन संबंधी समस्याएं बहुत ज्यादा है तो उन्हें इस पूर्णिमा के दिन एक अचूक उपाय करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध और उसमें चीनी और थोड़े चावल मिला करके भगवान चंद्रमा का ध्यान करते हुए अर्घ देना चाहिए, अर्थात चंद्रमा की ओर मुंह करके जल चढ़ाना चाहिए। इस दिन यदि चंद्रमा को जल चढ़ाया जाए तो उनकी आर्थिक समस्याओं का निराकरण होता है। साथ ही साथ चंद्रमा को प्रणाम करके चंद्रमा से प्रार्थना करना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए शास्त्रों में ऐसी पूर्णिमा का विशेष महत्व है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस पूर्णिमा को विशेष पूजन अनुष्ठान भी किया जाता है। माता महालक्ष्मी की यदि हम इस रात्रि में पूजा करते हैं या फिर माता महालक्ष्मी का आमंत्रण या आवाहन करते हैं और मूर्ति की रख करके विधि विधान से यदि हम पूजा करते हैं तो माता महालक्ष्मी की हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर विशेष कृपा बनी रहती है। तो ऐसी पूर्णिमा को यदि आप माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनका विशेष पूजन अर्चन करें, प्रार्थना करें और भगवान चंद्रदेव से भी प्रार्थना करें। क्योंकि जिनका चंद्रमा यदि कमजोर है और बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, तो रात्रि के समय जब चंद्रोदय हो जाता है उस समय हमें चंद्र से संबंधित वस्तुएं सफ़ेद कपड़े में, चावल, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद मिठाई, दही, दूध ये रख करके भगवान शिव के मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्रमा प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है।
क्योंकि चंद्रमा यदि प्रसन्न हो जाए तो हमारे मन में स्थिरता आती है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन के कारक ग्रह बताया गया है, और यदि हमारे चंद्रमा प्रबल रहेंगे तो हमें किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं रहेगा। क्योंकि अगहन की पूर्णिमा के रात्रि में चंद्रमा अत्यधिक बड़े आकार के सुंदर स्वरूप में दिखाई देंगे। इस रात्रि में यदि कोई भी चंद्रमा का दर्शन करेगा तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। जो भी मांगेगा वह कामना उसकी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो मित्रों, इस पूर्णिमा का आप सभी लाभ लेवें और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी समय सब्सक्राइब कर ले। सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।